हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आज थोड़ी हवा खाने बाहर निकले हैं तो मुझे अपना फेवरेट टॉपिक समझ में आया कि आज कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। क्या हो सकता है इंटरेस्टिंग? यूनियन से बढ़ के इंटरेस्टिंग और हो ही क्या सकता है? तो कभी कभी मन में ये सवाल उठता है कि ये रियूनियन करना ज़रूरी क्यों है। चलिए आज ये समझते हैं कि रियूनियन जरूरी क्यों है। चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, ठीक है, सबका फेवरेट भी दोस्तों। अच्छा, वीडियो के शुरू होने पर जो आप ये सीन देख रहे हैं ना, ये जो बादल का सीन है, ये मैंने खुद कैप्चर किया है। तो लेट मी टेल यू, फोटोग्राफी भी मेरी बहुत ही मेरी हॉबी है, वन ऑफ माय हॉबीज़। मेरी हॉबीज़ बहुत सारी हैं, इंस्टाग्राम में आप लोग देखते ही हो कि मैं क्या क्या हरकतें करती हूँ। खैर, तो मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, तो ये मैंने कैप्चर किया है। और जब भी मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए बाहर जाती हूँ तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ बादलों को देखना, नदी को देखना, ठीक है। तो ये मेरे को बिल्कुल पूरा मेरा अंदर से टॉक्सिन्स जितना भी जमा होता है बिल्कुल मैं डिटॉक्सीफाई हो जाती हूँ। खैर दोस्तों, एक और चीज़, आप लोग कहते हो छोटे छोटे वीडियो बनाइए मैम, 5-5 मिनट वाले, दोस्तों मुझसे नहीं बनते। देखिए, अगर आप सीरियसली इस जर्नी में हो यू लव टू नो व्हाट नेक्स्ट, डिटेल में जानने की आपकी इच्छा, क्रेविंग होगी, तो इट्सेल्फ कन्फर्म दैट यू आर इन ट्विन जर्नी और नॉट। जिनको 5 मिनट वाले वीडियो चाहिए, आई थिंक दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम। ओके, तो क्योंकि ये जो नॉलेज है ये आपको कहीं भी एज सच मिलने वाली नहीं है, ये बहुत ही इंटेंस डीप नॉलेज होती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही, आप सब जानते हैं। बट ये रोमांस फेरी टेल का कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। आप में से जो लोग बहुत परेशान होते हैं, मैडम मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, मेरे को लड़की देखने वाले आने वाले हैं, ठीक है, या मैम मेरी इतनी एज हो गई है, मैं कब शादी कर पाऊँगी। दोस्तों मैं बार बार बोलती हूँ, ये शादी का 3D कनेक्शन है ही नहीं, 3D प्रोग्रामिंग यहाँ फॉलो होती ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी रियूनियन ज़रूरी है, जिसको हम लोग एक हारमोनियस यूनियन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, पर्पस क्या होता है इस जर्नी का, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। डेफिनेटली इट्स अ पाथ टू एनलाइटमेंट, ठीक है, और हमें कुछ हायर पर्पस के लिए इस धरती पे इनकार्नेट किया गया है, यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है। और जो हमारा ट्विन फ्लेम होता है उसका रोल ये होता है कि ही एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट टू पुश यू इन दिस जर्नी, और फिर बाद में आप दोनों की साथ में अवेकनिंग, ठीक है, कैटलिस्ट का काम करता है, बट ऐसा नहीं कि अवेकनिंग सिर्फ आप ही की होनी है, अब दोनों की होनी है। बट दिस इज नॉट ईजी लव, इसमें आपको अपने पूरे ईगो सेल्फ को, ईगो मतलब, ईगो में सिर्फ ये नहीं कि आपको एटीट्यूड दिखा रहे हो घमंड कर, ईगो मतलब योर एक्चुअल पर्सनैलिटी, कि जिस 3D को आप, जिस आसपास का वातावरण, लोग, चीज़ें, जिसको आप सच समझ रहे हो, वो इल्यूजन है। और जब आप, जिसको आप 5D बोलते हो, जो कि लोग जानते नहीं हैं, वो रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी अलग है और 5D की रियलिटी अलग है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, जो कि मैंने महसूस किया, और मैं, जब हम अभी जाग रहे हैं ना, तो एक्चुअली हम लोग सो रहे हैं, और जिस दिन हम लोग सो जाएंगे इस शरीर के साथ, तब एक्चुअली हम लोग जागेंगे, ये रियलिटी है। और ये लिटरली मैंने खुद अपने अंदर से, मुझे डाउनलोड हुआ, ये फील हुआ कि अभी हम सब सो रहे हैं, सब एक माया को सच समझ रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग परमानेंटली सो जाएंगे, तब हम एक्चुअली में जागेंगे, रियलिटी, दिस इज़ द ट्रुथ। खैर, हम लोग को ये सब बात नहीं करनी है। बट ये जो लव है ये इजी नहीं है, ये आपको पूरा अपना ईगो ख़त्म करके, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू टीच अनकंडीशनल लव। और इसीलिए हम लोग ट्विन फ्लेम्स को
और इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है ना, ये सबको नहीं मिलता है। ये रिलेशनशिप वही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली बहुत एडवांस, बहुत ओल्डर, बहुत मास्टर सोल्स, मैच्योर सोल्स होती हैं, सो दैट दे कैन होल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट अनकंडीशनल लव, दैट इट इज़ ईजी फॉर टू लर्न अनकंडीशनल लव। क्योंकि अपने ईगो को की डेथ करके अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। इट टेक्स लाइव्स आफ्टर लाइव्स टू एक अपने फॉल्स ईगो को छोड़ के, उसकी डेथ करके एक रीबर्थ करना अपना, और अपनी एक न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना इज नॉट ईजी। ओके, तो डेफिनेटली आप अगर इस जर्नी पे हो तो आप एक बहुत ही मैच्योर सोल हो, ठीक है, इसलिए आपको ये जर्नी मिली है। और ये आप जर्नी आपको एक साथ करनी है अपने ट्विन पार्टनर के साथ, ठीक है। यू आर लिटरली अ एडवांस मैच्योर सोल जिसका पर्पस डेफिनेटली ग्रोथ है। ओके, अच्छा, अब हम जो है इस धरती पे इनकार्नेट होती भी हैं, तो हम एक, आप सब जानते हैं, सब चीज़ पहले वीडियो में बन चुकी है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रही हूँ, कि हम लोग एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं अपने कुछ सोल लेसन्स को लर्न करने का, ठीक है। और वो सोल लेसन्स हम लोग अपने डिफरेंट सोलमेट्स कार्मिक्स के साथ वो लेसन्स वो फुलफिल करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट को। सो इन दिस जर्नी देर इज़ नो प्लेस फॉर कोडिपेंडेंसी एंड एनी मैनिपुलेशन, कि आप चाहो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, कोई मैनिपुलेशन करके हम अपने प्यार को हासिल कर लें, सो देर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस जर्नी, ठीक है। अच्छा, चलिए लेट मी गाइड यू कि हम लोग जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें करनी रहती हैं। डेफिनेटली जो सोल लेसन्स हमें सीखने हैं हमारे ट्विन पार्टनर से, सॉरी अपने सोल मेट से, कार्मिक से, समटाइम्स हमारा पर्पस ये भी होता है कि हमें अपना इनर चाइल्ड इशू हील करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये काम आपको एज अ इनर वर्क करना ज़रूरी होता है, एंड सम टाइम्स एंसेस्ट्रल कर्स, इसको भी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनर वर्क में आता है। इनर चाइल्ड इश्यू पे मैंने कई बार वीडियोस भी बनाया है, बात करी है, आप सब लोग जान चुके हैं कि सिंपली यू हैव टू रीप्रोग्राम योर माइंड एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ। और कल का जो मेरा गाइडेड मेडिटेशन था उसमें मैं एक प्रकार से यही गाइड कर रही हूँ कि आपको खुद को कैसे वैल्यू देना है, प्यार करना है, प्रायोरिटी देना है। एंसेस्ट्रल कर्ड्स में एक प्रकार से देखिए, जैसे कि हम लोग क्या, मुझे बहुत से लोग काउंसलिंग में पूछते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इस वीडियो में इसको थोड़ा सा और अगेन गाइड कर देती हूँ। एंसेस्ट्रल पे मेरा कई बार वीडियो बनाया हुआ है, पर शॉर्ट में आप बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, कई लोग तो कुल देवी की पूजा पे विश्वास करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, देयर इज सम रीज़न बिहाइंड दिस। फिर कई लोग पितरों की पूजा में विश्वास करते हैं, डेफिनेटली वो भी करना चाहिए। तो व्हाट्स द रीज़न, क्यों हम लोग के हिंदुओं में ये सिखाया जाता है कि कुल देवी की पूजा करनी है, अल्टीमेटली वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। सी दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मैंने एंसेस्ट्रल में बताया है आपको वीडियोस, पिछले वीडियोस में, कि सपोज किसी के साथ कोई भी गलत हो गया, किसी भी आपके पुराने जो कि सी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, या कोई भी, मतलब किसी भी साइड से, चाहे मैटरनल साइड चाहे पैटर्नल साइड, कुछ भी रॉन्ग हो गया, और अगर वो इशू आपका अनरिजॉल्व रह गया, ठीक है, वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, आप जिस जो वुंडेड हुआ उसको फॉरगिव नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई, या किसी और जिसने वुंड किया, वुंड दिया, उसकी डेथ हो गई, एनी हाउ वो इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो आइदर दे हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक बर्थ अगेन एंड क्लियर योर कर्मास, जैसे हम इसको हम लोग कहते हैं पास्ट, क्लियर योर पास्ट कर्मास। तो या तो उस वुंडेड पर्सन को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और उसी जिसने घायल किया है उससे अपना कर्मा क्लियर करने का। बट समटाइम्स होता यह है कि ये बर्थ जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सेम लाइफ में बर्थ मिले, तो एट दैट टाइम वो जो कर्स होता है वो फिर वो फैमिली पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर फैमिली इशू, फैमिली एंसेस्ट्रल कर्स बन जाता है, वो आपकी ब्लड लाइन का कर्स बन जाता है कि भाई अब वो जो अनरिजॉल्व रह गया है, अनरिजॉल्व इशू, अब उसको आपको हील करना पड़ेगा। और इसीलिए एक प्रकार से हम लोग अपने कुल की देवी को शांत इसीलिए करते हैं कि भाई प्रेयर इज़ द वेरी गुड मीडियम
कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए, कुल देवी से हम की पूजा करते हैं, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, जिन जिनसे गलती हुई उन्हें माफ़ कर दीजिए, जो जिनको तकलीफ़ मिली उनकी उनको भी शांति मिले। एक प्रकार से ये हम एक इस प्रकार से प्रेयर प्रेयर इज़ द वेरी गुड फॉर्म टू हील योर इश्यूज़। तो हम लोग इसलिए कुल देवी की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, बट द अल्टीमेट रीजन्स लॉजिकल रीज़न यही होता है। तो अगर ये सब भी नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आप अगर एनालाइज कर लो, सिंपली एनालाइज कर लो कि हमारी फैमिली में पैटर्न प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि अगर भाइयों की लड़ाई हो रही है, अगर जहाँ पर जो वाइफ्स हैं और हस्बैंड वाइफ की रिलेशन हर जनरेशन वाइज जनरेशन अच्छे नहीं है, गुड नहीं है, ठीक है, तो हमको अगर ये अवेयरनेस आ गई कि यार कुछ तो है जो हमारी फैमिली में सेम पैटर्न प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी अवेयरनेस से सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही को चेंज कर सकते हैं उसकी प्रोग्रामिंग की, नहीं मेरी फैमिली में भाइयों में झगड़ा हुआ मैं नहीं करूँगा, मेरा भाई अगर मुझसे झगड़ा कर रहा है तो वो हमारे पास फरमाज है, मुझको मैच्योरिटी से उसको लेसन समझ के हील करता है। दिस इज द वे टू सबकॉन्शियस माइंड से आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कैसे कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कुछ इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, कोई हीलिंग वीलिंग नहीं होती है। अगर हीलिंग की बात कर रहे हो तो सेकल चक्रा करिए, आप सेकल चक्र अच्छे से करिए, यू कैन हील योर एंसेस्टर कर्सेस, ठीक है, बट उससे ज़्यादा बेटर हीलिंग ये होती है कि व्हेन यू बिहेव विद द मैच्योरिटी कि भाई ठीक है मेरे फैमिली में ये पैटर्न प्रॉब्लम आ रही है, दिस टाइम आई एम अलर्ट, आई एम अवेयर, मुझे मैच्योरली बिहेव करना है, मुझे पता है मेरा भाई मुझसे क्यों झगड़ा कर रहा है या मेरी फैमिली में झगड़े क्यों हो रहे हैं, ठीक है, सो आई हैव टू एटलीस्ट आई एम अवेयर, आई हैव टू एक्ट वाइजली, ठीक है। सो इस प्रकार से अगर आपने वाइजली एक्ट कर लिया तो आपका वो डीएनए कोडिंग, वो प्रोग्रामिंग जो है ब्लड लाइन वाली, वो चेंज हो जाएगी। तो सिंपली मैं बिलीव करती हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, कि यहाँ पर आके हीलिंग वीलिंग से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप कोई चीज़ लर्न करते हो, उस पर प्रैक्टिकली वर्क करते हो, तो आप खुद को इवॉल्व कर रहे हो। अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आपने वाइजली एक्ट किया, आपने खुद को उसके बाद चीज़ों को आपने चेंज किया, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करी, खुद को इवॉल्व कर लिया, तो अल्टीमेटली आप इस जर्नी में ट्रांसफॉर्मिंग तो होने के लिए आए हो, टू बिकम द हाइएस्ट प्योरेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट्स इट। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी हीलिंग एनीथिंग, आपको खुद इस चीज़ को एस एस्पेक्ट को डील करना आना चाहिए। And plus chakra is the solution of everything. अपना root chakra करिए, आपके inner child healing, all fear issues खत्म। Sacral chakra करिए, ancestral healing, everything is over. कुछ बाहर से नहीं, सब कुछ आपके पास है, इसलिए भगवान ने आपको ऐसी journey दी है कि जो आप खुद कर सकते हो, right? So back to the point. So there is no place for codependency or manipulation in twin-flame relationship. We used to grow spiritually and emotionally. We used to balance. ठीक है? We need to balance in our inner masculine and inner feminine. ठीक है? Divine feminine. Then जब हम ये balance करते हैं, then at the same time आप अपने counterpart को attract करते हो. And this is the procedure. अपने यिन यांग को बैलेंस करने के बाद ऑटोमेटिकली अपने ब्लॉकेजेस को हील करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका काउंटर पार्ट जैसे आपसे सेपरेट हुआ है वो वैसे ही वापस आपके सामने आता है। सो